हमारे चैनल राज पुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो अभी की क्लिप में आपने देखा होगा कि हम लोग बना रहे हैं आज मीठे गुड़ के चावल। और चावल हम लोग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आज है अमावस्या। तो अमावस्या को हम लोग जोत करते हैं, तो जोत करते हैं तो उसमें धूप चढ़ाने के लिए, मतलब मारवाड़ी में कहते हैं धूप खेने के लिए, कुछ मीठा बनाते हैं। जैसे कभी हम लोग खीर बना लेते हैं, कभी लापसी बना लेते हैं, तो आज हमने गुड़ के चावल बनाए। और कभी कुछ ना बनाए तो हम लोग घी गुड़ का भी धूप खेल देते हैं। तो बस यही कारण है चावल बनाने का। तो चावल बन रहे हैं और मम्मी तोड़ रहे हैं ग्वारफली, क्योंकि आज लंच में वही बनाएंगे, ग्वारफली और काचवे की सब्ज़ी। तो मम्मी ग्वारफली तोड़ लेते हैं, फिर बनाएंगे ग्वारफली की सब्ज़ी। बच्चे स्कूल गए। और आप लोग भी चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। तो बस अब मैं पहले फटाफट ग्वारफली की सब्ज़ी बना लेती हूँ, तब तक चावल भी बन जाएंगे, उसके बाद में हम लोग करेंगे जोत। तो इसे कहते हैं एक पंथ और दो काज। यहाँ पे मम्मी ग्वारफली भी तोड़ रहे हैं और साथ में हमारा ब्लॉग भी देख रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि मम्मी को मैं ब्लॉग में लेती हूँ, तो मम्मी को पता नहीं है कि मैं इनका वीडियो बना रही हूँ। तो मम्मी ने अब ग्वारफली तोड़ दी है, सब्जी बना ली है। लंच पूरा बन चुका है और अब मैं बना रही हूँ चपाती। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये आलू का मसाला जो रात को हम लोगों ने सैंडविच बनाई थी, तो इतना सा ज़्यादा रह गया है। तो मैं इसके 5-6 पहले पराठे बना लूँगी, क्योंकि मुझे भी आलू के पराठे बहुत पसंद है, मासी को भी पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो जिसको खाने होंगे खाएंगे, लेकिन मैं तो ज़रूर खाने वाली हूँ। तो बस मैं पहले पराठे बनाऊँगी, उसके बाद में रोटी बनाऊँगी। ये बादल जमकर बरसेंगे? वो तो बरसेंगे तब पता चलेगा। तो फाइनली जो बादल बरसने वाले थे वो तो नहीं बरसे, लेकिन मैं उठ गई और मैंने उठ के चाय पी ली और अब आ चुकी हूँ मैं नीचे। हमेशा मैं बोलती रहती हूँ ना, मैं आ गई हूँ टेरिस पे, मैं आ गई हूँ ऊपर ऊपर, तो आज मैं आ चुकी हूँ नीचे। और नीचे मैं आई हूँ हॉल में, यहाँ पर मेरी आवाज़ गूंज रही है। क्यों आई हूँ? क्योंकि यहाँ पर हाउस हेल्पर ने किए थे झाड़ू पोछा। तो बस आप लोग विंडो देख रहे हो तो मेरे देख रहे, चेक करने आएंगे कहीं विंडो उसने खुली तो नहीं छोड़ दी, नहीं तो फिर वापस वही डस्ट हो जाएगी, बारिश आएगी तो पानी आ जाएगा, इसलिए यही चेक करने आई थी। लेकिन विंडो बंद ही है, लाइट चालू थी, तो अभी इसको मैं बंद कर दूंगी। और ये हमारा हॉल है, बहुत ही बड़ा, पूरे मतलब घर ऊपर जो फ्लैट है उसके पूरा बना हुआ है, रेंट पर देने के लिए बनाया हुआ, लेकिन अभी रेंट पर दिया नहीं है। ये देखिए मैं बताती हूँ, इतना बड़ा हॉल है। तो कुछ भी बड़ा प्रोग्राम होता है तो हमारे यहीं पे खाने का होता है, और जैसे भजन वगैरह रखने होते हैं तो हम लोग यहीं पे रखते हैं, क्योंकि अभी रेंट भी नहीं दिया, तब तक सारा प्रोग्राम यहीं सेट कर देते हैं। और यहाँ पे एक वॉशरूम भी है, ये देखिए, ये इधर से एंट्री होती है, मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गूंज रही है। और यहाँ पर है वॉशरूम, और एक विंडो यहाँ पर है, और ये देखिए ये ऐसा कुछ है, बहुत ही बड़ा हॉल है। पीछे ग्लास लगाए हुए, ये खुलता है, चार इसमें ऐसे रखे हुए कि चार ग्लास इसमें ऊपर। बस अभी मैं बैक कैमरा करके बताती हूँ थोड़ा सा शॉर्टली हॉल का व्यू, मतलब वो हॉल का टूर करवाती हूँ। और हाउस हेल्पर ने बहुत ही अच्छे यहाँ पे झाड़ू पोछा किया, उनको 2 दिन लग जाते हैं, महीने में एक बार ही करवाते हैं, इसलिए मैं सारे विंडो भी बंद रखती हूँ, क्योंकि ऐसे ही फिर डस्ट आ जाती है अंदर। तो अभी मैं बैक कैमरे से बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से कुछ एंट्री करते हैं, और ये सीढ़ी जाती है ऊपर फ्लोर, ऊपर वाले फ्लोर पर, और यहाँ से हॉल में एंट्री होती है। इधर वॉशरूम आ जाता है, एक बड़ी विंडो वहाँ पे है, और बाकी ये पूरे ग्लास लगाए हुए हैं, इनमें 4 ओपन होते हैं। हमारे घर की जब हवन हुआ था वो भी यहीं पे हुआ था, यूवी का बर्थडे सेलिब्रेशन भी यहीं पे हुआ था। एक विंडो वहाँ पे है। तो यहाँ से देखिए पूरा इतना बड़ा हॉल है, रेंट पे देने के लिए रखा हुआ है।
जैसे कोई भी बैंक हो गई, जिम हो गई, छोटी सी स्कूल चिल्ड्रन वाले आते हैं ना, कुछ भी यहाँ पे चालू हो सकता है। रेंट पे ही देना है मतलब मैं तो। लाइट कर देते हैं बंद। तो ये रहे हमारे मासी जी जो जल ग्रहण कर रहे हैं। मासी आज हिंदी दिवस है। सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हम लोग हिंदी ज्यादा नहीं बोलते हैं, सब इंग्लिश तो ज्यादा यूज कर लेते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते इतनी। मासी मैं नीचे जाकर आ गई और देखा उसने बहुत अच्छे झाड़ू पोछा किया, मतलब दो दिन से वो कर रही थी, एकदम मस्त लग रहा है। और मैंने छोटा सा मतलब अपने हॉल का टूर भी दे दिया कि हमारे ये रेंट पे देने के लिए बनाया हुआ है। तो मासी यहाँ पे पानी नहीं, जल ग्रहण कर रही है। और अब क्या बनाएंगे मासी हम लोग आज डिनर में? डिनर नहीं, अभी बच्चों के लिए, हमेशा हम बच्चों के लिए बनाते हैं ना, बच्चों के लिए स्नैक बनाएंगे आज, वो ममरा और पोहे, मक्के के पोहे। अच्छा ममरा वगैरह मतलब मैं हिंदी बोलो ना भाई, हिंदी दिवस। हाँ तो बस हम लोग वगारेंगे अब ममरा। तो फटाफट से वो आदू मिर्चा पीस लिया रही आपने? हाँ। रेडी कर लिया आदू और मिर्ची की पेस्ट बना ली? बना। तो ठीक है ममरे भी वगार लेते हैं, तो शेयर करते हैं ब्लॉग में, चलो कोई देखेगा। तो आज ममरा हम थोड़े से डिफरेंट तरीके से वगार रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने थोड़े से मक्के के जो पोहे आते हैं वो लिए और तेल चढ़ाया। तेल गर्म होने पे वो जो पोहे उस तेल में से फ्राई कर लेंगे। और ये जो मक्के पोहा होता है वो तेल गर्म तेल में डालते ही एकदम फ्राई हो जाते हैं, मतलब इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो बस दो तीन चार बार थोड़े थोड़े से डालकर हमने यहाँ पे मक्के पोहा फ्राई कर लिया। अब यहाँ पे थोड़े से सींग दाने भी फ्राई कर लेंगे और साथ में थोड़ी सी कड़ी निमड़ी के पत्ते भी फ्राई करेंगे। और उसके बाद में जो हमने फ्राई किए हैं वो एक बड़ा तपेला या भगोड़ा जिसे बोलते हैं उसी में सारे डाल देंगे, क्योंकि ममरे भी हम इसी में खाली करेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करना है इसलिए। तो बस फ्राई करने के बाद में यहाँ पे नमक डाल दिया और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद में अच्छे से पहले इनको मिक्स कर लेंगे। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। और हम इसे एयरटाइट डब्बे में भर के रख देते हैं ममरे जो हम वगार के रखते हैं वो, तो जब जैसे खाने होते तब थोड़े से पैन में लेते हैं और गर्म करके खा लेते हैं ऊपर से सेव डाल के। तो यहाँ पे ये ममरे का जो पैकेट है ये मार्केट में मिलता है बिना वगारे हुआ, तो लाए पूरा पैकेट इसमें खाली कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से हमने पैन चढ़ाया और थोड़ा सा ही तेल लेना, उसमें थोड़े से सींग दाने और कड़ी निमड़ी के पत्ते और यहाँ पे हरी मिर्च और लहसुन उसकी पेस्ट हमने यहाँ पे ऐड की। आदू नहीं डालते इसमें, मैंने ऐसे ही बोल दिया, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट यहाँ पे ऐड की है। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ में डाल देंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐसे ही कलर के लिए, और नमक क्वांटिटी के हिसाब से डालना रहता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ये जो वगार हमने रेडी किया है वो इसमें खाली कर देंगे, जहाँ ममरे और जो मक्के पोहा है तपेले में। तो बस अच्छे से मिक्स करना है और पूरा मिक्स करना, और इसको इससे मिक्स नहीं होगा तो इसको उठा के हिलाना है। तो ये देखिए हेल्दी और झटपट से बनने वाला नाश्ता हो चुका है रेडी। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, बस इसमें सेव ऐड करके आप खाओ तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऐसा हमारे ट्यूशन जाके पधार चुके हैं, है ना भाई साहब? हाँ। किसु भाई साहब, किसु आज क्या है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस? तुझसे ज्यादा हिंदी तो मुझे आती है। नहीं मुझे भी आती, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़े हुए इसलिए। तुम्हें इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा हिंदी नहीं आती है। यूवी आज क्या है? हिंदी दिवस। तो यहाँ यूवी की प्लेट में से थोड़े से मैं भी ले लेती हूँ, इन्हें हम 10 दिन तक स्टोर करके गरम गरम मजे से खा सकते हैं। अच्छे भी लग रहे हैं ना यूवी? ठीक है ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारे सृष्टि भाई सा कर रहे हैं होमवर्क। और सृष्टि नाश्ता कर लिया? हाँ। ममरे का आज तो इनके लिए ये वो ही बनाए थे, वगार दिए थे ममरे। तो बाहर हो चुका इतना अंधेरा और जो बादल उस टाइम नहीं बरसे थे अब यहाँ पे हुई है जमकर बारिश। तो डिनर यहाँ पे बन के हो चुका है हमारा रेडी। हमने बनाई है बैंगन आलू की सब्जी और साथ में बना दिए थोड़ी सी जो पीली दाल आती है मोगर, वो क्योंकि बच्चों को खाने थे दाल चावल इसलिए। तो बस अब बनानी है चपाती, तो वो बनाएंगे और आज के ब्लॉग को भी एंड करते हैं। तो व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही हमारे ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।